अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट हमारा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका हम पहले काफ़ी इसको स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो से मुराद चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो एक की वजह से एक दूसरे का इंड्यूस हो जाना, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म का इंड्यूस हो जाना और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कि एक की वजह से दूसरी चीज इंड्यूस हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो रहा होता है और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो रही होती है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस, मैग्नेटिज्म और इंडक्शन, इन दोनों का आपस में एक की वजह से दूसरे का इंड्यूस हो जाना। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो सकती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कि जब साइंटिस्ट ने स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट्स किए, तो वो मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या हुआ था कि जब भी करंट फ्लो करता है तो वो अपने ग्रिड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, अपने ग्रिड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये चेंज इन करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर जब ये प्रूव हो गया कि जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या क्रिएट करता है, अपने ग्रिड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो फिर साइंटिस्ट ये सोचने लग गए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, करंट इंड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए फिर उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए और जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से भी हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं किसी चीज में, करंट किसी वायर में, कॉइल में, हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। मतलब ये एक दूसरे, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें इंड्यूस करवा सकते हैं करंट। ठीक है, तो अब जब इन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारी कन्वेंशन जो है वो ये है कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं, किस में इंटर होती हैं, साउथ में इंटर होती हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि एक वायर ली जिसकी लेंथ कोई भी ले लें, आप एल ले लें, ये वो वायर है। ठीक है, और इसको हमने किससे अटैच करवा दिया, एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर, ये जी गैल्वेनोमीटर समझ लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें ये क्या है, देखें सिंपल एक वायर है, कोई इसमें बैटरी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, तो और साथ में यहाँ पर इसके एंड्स पर क्या एंड्स इसके जो है कनेक्टेड है किसके साथ, इस वायर के दोनों एंड्स गैल्वेनोमीटर के साथ हमने कनेक्ट कर दिए। तो जब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इसको चेक करने के लिए कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट इंड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए क्या किया कि वायर ली एक, ठीक है, किसी भी लेंथ की वायर ली और उसको एक क्लोज लूप की फॉर्म में बना दिया और उसके एंड्स पे दोनों एंड्स का किसके साथ कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर के साथ इस वायर के एंड्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जब इस वायर के एंड्स को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जब वायर को उन्होंने मूव करवाया लेफ्ट से राइट, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और किसमें इंटर होती हैं, साउथ पोल में। तो जब इसको वायर को मूव करवाया लेफ्ट से, राइट, इस साइड दो मैग्नेटिक लाइन्स इसमें से पास हो रही हैं। ठीक है, तो जब अगर मैं इस वायर को मूव करवाऊं लेफ्ट से राइट, तो मतलब इसमें जो बाकी ये दो लाइंस है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसमें से जो लाइंस पास करेंगे मैग्नेटिक लाइंस वो कितनी हो जाएंगी, चार। मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया, किस चीज में चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में। ठीक है, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग
through any cross-sectional area through any certain area is called flux. तो इसी तरह magnetic lines of force भी क्या हो रही है, क्या होंगी इसमें, जब आप इस वायर को लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे तो इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, नंबर उनका क्या हो जाएगा, चेंज. तो पहले दो थी, अभी क्या मजीद आप इस साइड पे मूव करवाएंगे तीन हो जाएंगे, मजीद इस साइड पे मूव करवाएंगे तो चार. तो जब इन्होंने जब साइंटिस्ट ने इसको लेफ्ट से राइट मूव करवाया तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुई. ठीक है, उसकी नीडल में क्या शो हुई, डिफ्लेक्शन शो हुई. तो ये जो डिफ्लेक्शन शो हुई ये किस वजह से शो हुई होती है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो किसके लिए यूज होता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए. उसकी नीडल की डिफ्लेक्शन जब होती है तो मींस के सर्किट में से करंट पास हो रहा है. तो अब यहाँ पर इस वायर में कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी, कोई कुछ नहीं लगा हुआ था, सिंपल एक वायर थी जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच कर दिया गया था. ठीक है, तो अब इस वायर में से क्या होना शुरू हो गया, करंट पास होना शुरू हो गया. किस वजह से पास हुआ, जब हमने वायर को मूव करवाया लेफ्ट से राइट. ठीक है, मतलब ये जो वायर थी हमारे पास इसके दोनों एंड्स को हमने कनेक्ट किया हुआ था इसके साथ गैल्वेनोमीटर के साथ. ठीक है, तो इस वायर को जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया लेफ्ट से राइट तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हुई और क्या इंड्यूस हो गया, इसमें करंट इंड्यूस हुआ. वो किस चीज से हमें पता चला कि गैल्वेनोमीटर की नीडल ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन शो की. ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन थी ये लेट्स सपोज पहली दफा जब आप लेफ्ट से राइट गए तो जो डिफ्लेक्शन थी वो क्या हुई, इस डायरेक्शन में थी. सपोज पहले नीडल जब न्यूट्रल होती है तो इस डायरेक्शन में ये, लेकिन जब लेफ्ट से राइट हमने मूव किया मैग्नेटिक फील्ड में लेफ्ट से राइट गए तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ने डिफ्लेक्शन इस साइड पे शो किया. ठीक है, जो इंडिकेशन थी कि इस वायर में अब क्या इंड्यूस हो चुका है, करंट इंड्यूस हो चुका है. तो जब इसी वायर को जब राइट से हम वापस दोबारा लेफ्ट की तरफ लेकर आए तो अगेन गैल्वेनोमीटर ने नीडल की डिफ्लेक्शन शो की, लेकिन वो डिफ्लेक्शन अब क्या थी, इस डायरेक्शन. ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी किया है कि ये जो इसका मोशन है ये डिपेंड का, ये देखें अगर आप लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट की डायरेक्शन आएगी, एक डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर हम इसके अगेंस्ट जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उसके अगेंस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इससे उन्हें ये पता चल गया कि जब भी क्या हो, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वायर को मूव करवाएं लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट या अप डाउन, अगर जहां पर मतलब उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करवा सकें तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो और ये करंट किस चीज पर डिपेंड करता है कि जितना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा इसमें करंट इंड्यूस होगा. जितनी स्पीड के साथ आप इसको मूव करवाएंगे उतना ज्यादा इसमें क्या क्रिएट होगा, करंट इंड्यूस होगा इसमें. ठीक है, तो मतलब कि जब भी हम किसी भी वायर में से फ्लक्स को चेंज कर देते हैं, कौन सी फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो क्या इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है. ठीक है, इसी तरह जब करंट फ्लो करता है तो वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हम क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं बगैर किसी बैटरी, बगैर किसी और सोर्स के हम करंट को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं. ठीक है, अब इस सर्किट में मजीद कोई और कोई भी चीज नहीं थी, ये सिंपल एक वायर थी जिसके दोनों एंड्स को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया और एक क्लोज्ड लूप बन गया. ठीक है, और उस वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्या करवाया, मूव करवाया. उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाने से उसकी जो फ्लक्स की फ्लक्स है वो क्या हुई, चेंज हुई और उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया. और जब हमने लेफ्ट से राइट गए तो करंट की डायरेक्शन सपोज ये थी, राइट से लेफ्ट आएंगे जाहिर है अगेंस्ट, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की जो नीडल गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो उसकी डिफ्लेक्शन अगेंस्ट द फर्स्ट वन जो पहले थी उसके अगेंस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब कि जब भी हम क्या कर सकते हैं कि जब भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाएंगे किसी भी वायर में से तो हम क्या करवा सकते हैं उसमें मैग्नेटिक सॉरी करंट इंड्यूस करवा सकते हैं, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, और ये करंट डिपेंड करता है कि जितना हमें पता है, और इसमें क्या हो जाएगी, इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें ईएमएफ या वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है, और वो किस पर डिपेंड, वी इक्वल्स टू हमें पता है किसके इक्वल होता है, आई आर, जो कि हमेशा एक कॉन्स्टेंट, है. ठीक है, मतलब जब R बढ़ाएंगे, देखिए अगर हम इस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इसमें करंट की वैल्यू क्या क्या होगी, कम आएगी. ठीक है, इस वायर का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जाहिर है इसमें I जो करंट है वो क्या होगा, कम.
अगर रेजिस्टेंस कम है तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये वाली वैल्यू हमने कम कर दिया तो करंट इतना ही उसमें क्या होगा ज़्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट क्या होगा कम हो जाएगा, और ये हमेशा भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा जिसको हम क्या कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको हम कहते हैं, और ये हमेशा क्या आता है कॉन्स्टेंट नंबर आता है। तो अब ये हमने ये टॉपिक था कि कैसे के जिस तरह करंट फ्लो करता है जब, तो क्या क्रिएट करता है अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसी तरह ठीक है जब भी करंट फ्लो करेगा तो हमने स्टडी किया था वो क्या क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से करंट भी इंड्यूस किया जा सकता है या नहीं, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया मैग्नेट लिया, परमानेंट मैग्नेट लिया और एक वायर ली जिसकी लेंथ एल थी, कुछ भी लेंथ किसी भी लेंथ की वायर ली और उसको हमने किससे अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है, इस तरह की वायर ली, ये वायर है ठीक है, और इसके इसको हमने किससे अटैच कर दिया, इसको हमने ये बीच में क्या लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये वायर थी और इसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, और इस वायर को हमने फिर क्या किया जब हम इसको स्टेशनरी रखे रखेंगे इसको मूव नहीं करवाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड में तो कोई नीडल की डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, नीडल की डिफ्लेक्शन तब होगी जब हम इसको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे तो नीडल क्या करेगी डिफ्लेक्ट करेगी, जो कि इस चीज़ का सबूत है कि क्या होता है करंट इसमें से पास कर रहा है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो यूज़ होती है करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो जब हमने स्टेशनरी इसको रखे रखा तो कोई इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई, मतलब कि जब करंट तब प्रोड्यूस होगा जब इसके अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, इस वायर में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रही है उनको चेंज करेंगे, ठीक है, जब अगर आपने यहाँ पर इसको रखा हुआ है तो अब ये कोई गैल्वेनोमीटर में कोई नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगी इस वायर में, लेकिन जब इस वायर को आप लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, देखिए अभी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से पास हो रही हैं, तो जब आप लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो इसकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और जब ये स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी तो मतलब हम अब क्या चेंज हो जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, पहले दो थी फिर तीन हो जाएगी फिर चार, तो अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस या इंड्यूस करता है किसको करंट को, इस करंट को हम क्या कहते हैं इंड्यूस करंट, और वो जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा ये जैसे मैंने आपको बताया ये भी क्या होगा इसको हम क्या कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन अगर सपोज इस साइड पे है तो जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी अगेंस्ट हो जाएगी, ठीक है, अब जो इसमें करंट इंड्यूस होगा वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा करंट इसमें इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आप इसको मूव करवाएंगे मतलब जितना जल्दी आप इसकी नंबर ऑफ फ्लक्स को चेंज करवाएंगे उतना ज्यादा करंट इंड्यूस होगा, और नंबर थर्ड के अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस इस वायर का ज्यादा है तो करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा कम होगा, हमें ये इक्वेशन पता V equals to IR, तो रेजिस्टेंस के बढ़ाने से अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये हमारे पास क्या आएगा करंट कम आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट को ये नंबर आएगा, इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा उतना ही बढ़ जाएगा, अगेन इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास वही कॉन्स्टेंट नंबर आएगा, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं वी या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये टॉपिक था कि जब भाई हमने फ्लक्स को अगर हम चेंज करवा दें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को चेंज करवा दें किसी भी वायर में से तो वो क्या इंड्यूस करवाएंगे उसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है सपोज ये सपोज एक बार मैग्नेट है, अब नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और किस में इंटर हो रही होती हैं, साउथ में इंटर हो रही होती हैं ये लाइंस, ठीक है, ये इसमें क्या हो रही होती हैं इंटर हो रही होती है। तो अब अगर मेरे पास एक कॉइल है, सपोज ये मेरे पास एक कॉइल है जिसका एक एंड ये है, ठीक है,
और इसके दूसरे एंड को, अब ये कोई इसमें बैटरी नहीं लगी हुई, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है, इस एंड को भी और इस एंड को भी मैं यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखें इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में इंटर हो रही है। अगर मैं इस कॉयल को इसके करीब लाऊं, अब देखें इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अगर इनको आप लॉन्गेट करें तो इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पोज ये पास कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी को क्या करूं, इसी कॉयल को इसके करीब ले आऊं, यहाँ पर ले आऊं इसके यहाँ पर, इस कॉयल को यहाँ से मूव करवा के इसके यहाँ पर ले आऊं, या इस बार मैग्नेट को मैं मूव करवा के इसके करीब ले आऊं, तो फिर इसमें से जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो क्या होंगी, ज्यादा पास होंगी, ठीक है। इसी तरह मैं करीब लाऊं दूर लेके जाऊं, करीब लाऊं दूर लेके जाऊं, तो इसमें से जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या होना शुरू हो जाएंगी, चेंज। फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो पास करेंगी इस वायर में से, इस कॉयल में से। अभी यहाँ पर पड़ा हो तो यहाँ पर एक पास करिए, अगर मैं इसको इसी को इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आऊँ, जो जो मैं इसके करीब आऊंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से ज्यादा पास होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका फ्लक्स क्या होना शुरू हो जाएगा, चेंज। करीब लाऊंगा ज्यादा, फिर दूर लेके जाऊंगा कम, करीब ज्यादा दूर लेके जाऊंगा कम, तो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा इसमें करंट, अब इसमें कोई बैटरी नहीं लगी हुई, इस वायर में कोई और चीज नहीं है, तो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करना शुरू कर देगी, डिफ्लेक्शन शो शुरू कर देगी, मतलब कि इसमें करंट इंड्यूस हो गया। तो मतलब कि अगर हम यहाँ पर कोई और अप्लायंसेस लगाएं तो वो भी क्या करेंगी, लेट्स सपोज बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा करंट के इंड्यूस होने की वजह से, ठीक है। तो इसी तरह मैग्नेट को करीब ले आएं या आप इस कॉयल को करीब ले, करीब और दूर लेकर जाएं, ठीक है। मतलब जो मेन मकसद है, हमने किस चीज को चेंज करवाना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को। इसको जब भी हम चेंज करवाएंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और उस करंट को क्या चीज डिटेक्ट करेगी, गैल्वेनोमीटर हमें बताएगा कि अब इसमें क्या हो गया, करंट प्रोड्यूस हो गया। तो हम मतलब करंट को इंड्यूस कर, और इस करंट को हम, ये किसकी वजह से इंड्यूस हुआ है, मैग्नेट की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिज्म की इंडक्शन होती है, और मैग्नेटिज्म की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की इंडक्शन होती है, ठीक है। इस वजह से इसको क्या क्या नाम दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये टॉपिक था, ठीक है। तो इसमें हमने जो मेन चीज सीखी वो ये कि जब भी हम करंट को क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस करवा सकते हैं, जब भी हम इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करवाएंगे, किसी भी वायर में से, कॉइल में से चेंज करवाएंगे, तो बगैर बैटरी के, बगैर किसी और चीज के, हम करंट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। और वो जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। और उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इंड्यूस ईएमएफ, और ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट नंबर आता है। और ये जो करंट इसमें इंड्यूस होगा ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, कि जितना, अगर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितनी स्पीड के साथ आप वायर को, इस वायर को मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट तो वो क्या करेगी, उतना ज्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा तेजी के साथ, स्पीड के साथ फ्लक्स को चेंज करवा रहे हैं। मेन जो है हमने क्या करना है, फ्लक्स को चेंज करवाना है, ठीक है। तो ये था टॉपिक। इसी तरह अगर आप देखें, ये स्टेशनरी पड़ा रहेगा ना, अगर इस जगह पे हमने इसको स्टेशनरी रख दिया, तो अब इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रही। ये मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होंगी जब हम इसको, वायर को मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। इसी तरह इस मैग्नेट को भी अगर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव करवाएं, तो अगेन इसकी फ्लक्स हम इसमें से चेंज करवा देंगे, तो ये अगेन इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद।